अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया का हुआ आगाज। 4 नवंबर को नामांकन भरेंगी असुंधरा राजे, जयपुर की प्रमुख खबर। विधानसभा चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार आज 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरने का समय दिया गया है। साथ ही नामांकन का अंतिम दिन 6 नवम्बर रहेगा। 9 नवम्बर को नाम वापसी का दिन रहेगा। उसके उपरांत 25 नवंबर को पूरे राजस्थान में एक साथ एक ही दिन मतदान आयोजित होगा। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का समय प्रारंभ होते ही अनेक नेताओं के प्रमुख नेताओं की नामांकन भरने की तारीखों की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार 31 अक्टूबर को टोंक से कांग्रेस नेता सचिन पायलट, 2 नवम्बर को आमेर से सतीश पूनिया, 3 नवम्बर को तारानगर से राजेंद्र सिंह राठौर एवं 4 नवंबर को झालरा पाटन से वसुंधरा राजे एवं झोटवाड़ा से राजवर्धन सिंह अपने अपने नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों के लिए अमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 10,000 एवं एससी एसटी प्रत्याशी के लिए 5,000 निर्धारित की गई है। जयपुर से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। हाईवे पर कावड़ियों से लूटपाट करने का प्रमुख आरोपी गिरफ्तार, बाड़ी की प्रमुख खबर। विगत 23 सितंबर को रात्रि 2 बजे नेशनल हाईवे कांसौटी खेड़ा मोड़ के पास 3 बदमाशों ने सरमथरा जा रहे कावड़ियों के ग्रुप के साथ चल रहे मोटरसाइकिल सवारों को रोककर मारपीट की तथा एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल एवं नकदी छीनकर भाग गए। कोतवाली थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले के 2 आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वारदात का मुख्य आरोपी सलमान पुत्र रजाक निवासी कास्तपाड़ा बाड़ी को आज अवैध देसी कट्टा 315 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। डीएसपी महेंद्र कुमार ने बताया कि कोतवाली थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में कंप्यूटर सिंह, एएसआई अशोक कुमार एवं राजेश कुमार कांस्टेबल शामिल रहे। अवैध शराब के खिलाफ जिले भर में चलाया विशेष अभियान, बड़ी मात्रा में धरपकड़, धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में अवैध शराब की धरपकड़ का चला विशेष अभियान। पुलिस की टीमों ने अवैध शराब के संदिग्ध ठिकानों पर दी दबिश। पिछले 30 घंटे में अवैध शराब की धरपकड़ अभियान में जिले भर में 26 प्रकरण दर्ज कर 1,363 अवैध देसी शराब के पौवे, 21 बियर की बोतल एवं 30 लीटर हथकड़ी शराब की जब्त। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ देवेंद्र प्रताप सिंह के सुपरविजन में धौलपुर पुलिस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध गतिविधियों को रोकने, बदमाशों एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर कार्य कर रही है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक मदिरा धर नाम से विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के निर्देशित किया गया था। इस निर्देश की पालना में धौलपुर जिले में पिछले 30 घंटे में कार्रवाई करते हुए 26 प्रकरण दर्ज करके और भारी मात्रा में शराब जब्ती की गई है। अनियंत्रित चंबल बजरी के खाली ट्रैक्टर ने बालिका को मारी टक्कर, बाड़ी की प्रमुख खबर। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की शाम शहर के धनोरा रोड की रहने वाली 4 वर्षीय मासूम बालिका मोहिनी पुत्री लखन खटीक अपने घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान अनियंत्रित तेज गति से एक खाली बजरी ट्रैक्टर मोहल्ले से निकला, जिसने बालिका को टक्कर मार दी। टक्कर से घायल बालिका को ट्रैक्टर चालक मौके पर ही पड़ा छोड़कर भाग गया। इस पर लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और लोगों ने भागते हुए ट्रैक्टर चालक को आगे जाकर दबोच लिया, जिसकी मौके पर ही जमकर धुनाई की गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस और टाउन चौकी पुलिस को आरोपी को सौंप दिया गया।
वहीं घायल 4 वर्षीय मासूम बालिका मोहिनी शहर के अस्पताल में भर्ती कराई गई। टाउन चौकी के प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि घायल बालिका अस्पताल में भर्ती कराई गई है। वहीं लोगों द्वारा जो आरोपी सौंपा गया है उसका भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। ट्रैक्टर खाली था, लोगों का आरोप है कि वह बजरी का ट्रैक्टर है, इसको लेकर जांच की जा रही है। घायल बालिका के परिजनों द्वारा अभी पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया, फिर भी मामले को लेकर जांच की जा रही है। हमारा मकान है जी, वहाँ पे बच्ची खड़ी थी अपनी साइड में अपनी दुकान पे, और एकदम स्पीड में लाया 70-80 की में, और एकदम इन्होंने ब्रेक दिया, आगे टायर कराया, फिर पीछे से दूसरा भी टायर मैंने रुकवाया, मैं वहाँ पे मौजूद था, उन्होंने ट्रैक्टर रोका है, दोनों टायर चढ़ा दिए और सीधे लेके भाग गए हैं ट्रैक्टर को। 8 साल ये इधर टांग से आ रहा था, धनवा रोड से पानी के लिए आ रहा था सर। राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र में आयोजित फिजियोथेरेपी मंथन में बसेड़ी के डॉक्टर संजय गर्ग को सम्मानित किया गया। बसेड़ी की प्रमुख खबर, कस्बा के मूल निवासी डॉक्टर संजय गर्ग फिजियोथेरेपी चिकित्सक को बेस्ट क्लिनिशियन अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला है। कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर संजय ने खेलकूद के दौरान लगने वाली चोटों को फिजियोथेरेपी इलाज से ठीक होने एवं जागरूक रहने की बात कही। खिलाड़ी को खेलने से पहले शरीर को स्वस्थ और मांसपेशियों को ताकत कैसे दी जाए, इस विषय में उन्होंने विस्तृत जानकारी प्रदान की। डॉक्टर संजय गर्ग कस्बा निवासी महेश चंद गर्ग सहायक प्रशासनिक अधिकारी पंचायत समिति बसेड़ी के सुपुत्र हैं, जो जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फिजियोथेरेपी विभाग अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। कॉन्फ्रेंस का आयोजन डॉक्टर राम सिहाग द्वारा किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर ध्रुव तनेजा, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर विष्णु, डॉक्टर विकास सैनी, डॉक्टर सुनील टांक सहित अनेक फिजियोथेरेपी चिकित्सक मौजूद थे। बीबीएन ब्यूरो के लिए बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। लक्ष्य द्वारा लेफ्टिनेंट पद पर चयनित होने पर ध्रुव सिंह लोधा का किया सम्मान। धौलपुर की प्रमुख खबर, लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य के पदाधिकारियों ने महारानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास में एनडीए द्वारा लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होने पर ध्रुव सिंह लोधा का एवं उनके पिता रामनिवास निवासी चौराखेड़ा का भी माला साफा पहनाकर सम्मान किया। लक्ष्य संरक्षक कमल सिंह एवं लक्ष्य के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई प्रतियोगी परीक्षा कठिन नहीं होती जब तक मेहनत नहीं की जाए। मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। लक्ष्य प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह लोधा, लक्ष्य महामंत्री सुख सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश कुमार एवं उपाध्यक्ष अमीरी सिंह ने समाज में शिक्षा की जागरूकता बढ़ाने पर प्रकाश डाला। सम्मान समारोह कार्यक्रम का संचालन जगमोहन सिंह व्याख्याता ने किया। इस अवसर पर भगवती प्रसाद, रामेश्वर सिंह, ओम प्रकाश नर्सिंग ट्यूटर, राकेश कुमार नर्सिंग ऑफिसर, वीरेंद्र सिंह अध्यापक, रामनिवास विद्युत विभाग, नंद किशोर लोधी अध्यापक, अमित कुमार, कीरत सिंह अध्यापक, कीरत सिंह, चरण सिंह, सावित्री देवी, बैजंती देवी, रवि कुमार, कमोद सिंह, महेश चंद और चेत सिंह आदि उपस्थित रहे। फरार वारंटी किया गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर, महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार के नेतृत्व में पुलिस टीम के साथ हेड कांस्टेबल अशोक कुमार की सूचना पर कार्रवाई करते हुए फरार वारंटी हंसराम निवासी भोला का पूरा
थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फरार वारंटी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में महिला थाना प्रभारी श्रीमती छवि फौजदार के साथ अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल जितेंद्र एवं रामदेव कांस्टेबल शामिल रहे। सरकारी अस्पताल में उत्पात मचाते युवक को किया गिरफ्तार, कंचनपुर की प्रमुख खबर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थाना क्षेत्र में लगातार नाकाबंदी एवं धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज सरकारी अस्पताल में उत्पात मचाते युवक राजकुमार निवासी जमालपुर थाना कंचनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। युवक को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा के साथ संजय कुमार एवं राजेश कुमार कांस्टेबल शामिल रहे। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में किया गया एनसीसी कैडेट्स का स्वागत, धौलपुर की प्रमुख खबर। अलवर में आर्मी अटैचमेंट कैंप में 12 दिन की ट्रेनिंग लेकर वापस लौटने पर एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में जूनियर एनसीसी कैडेट द्वारा सीनियर एनसीसी कैडेट्स का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सीटीयू आशुतोष राणा के संरक्षण में किया गया। कार्यक्रम में जूनियर एनसीसी कैडेट उत्कर्ष पाठक द्वारा मंच संचालन किया गया। जूनियर एनसीसी कैडेट्स से आकाश मावई, दिव्यांशी गोयल, सोनम जगा, पल्लवी त्यागी, पायल शर्मा, रोहित चौधरी एवं जूनियर वर्ग की दो बटालियनों द्वारा सीनियर कैडेट्स दुष्यंत जादौन, अनिकेत परिहार, आशीष शर्मा, लोकेंद्र एवं विकास त्यागी का भव्य स्वागत किया गया। सीनियर कैडेट्स ने ट्रेनिंग में प्राप्त किए अनुभवों एवं कौशलों से जूनियर कैडेट्स का अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान देश सेवा के प्रति हमारे दायित्व को समझा और हमें लगता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को एनसीसी का हिस्सा अवश्य बनना चाहिए। एनसीसी हमें टाइम मैनेजमेंट एवं कर्तव्यों का बोध कराता है। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद वीके त्यागी ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमें अपने विद्यालय के बच्चों पर गर्व है। उन्होंने अपने एनसीसी के अनुभव बच्चों को बताते हुए कहा कि एनसीसी में सीखे गए गुण आज भी मेरे अंदर हैं और मुझे गर्व होता है कि मैं एनसीसी कैडेट्स रह चुका हूं। साथ ही विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानाचार्य अनीता त्यागी ने विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हुए उनके कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए आशीर्वाद दिया। मैं एनसीसी एयर विंग का स्टूडेंट था। एनसीसी लाइफ कैसी होती है, क्या होती है, वो मेरे आज भी रोम रोम में है। अभी अलवर कैंप में गए थे मिलिट्री स्टेशन, वहां पे हमने 12 दिन में जो कुछ भी सीखा उसमें सबसे मेन था डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका डिसिप्लिन और टाइम मैनेज करना सीख जाते हो तो आप अपना रूटीन फिक्स कर लो, और जिसकी वजह से मतलब अगर फिक्स होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, डिसिप्लिन होगा, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होंगे। और द मेन थिंग आई लर्न देयर इज द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका हिंदी अर्थ यह है कि अभी जितना पसीना बहा लोगे उतना ही कम खून बाद में बहाना पड़ेगा। राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद की बैठक आयोजित, केशव सक्सेना धौलपुर को किया सम्मानित। जयपुर धौलपुर की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद जयपुर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की SFS सामुदायिक भवन जयपुर में बैठक आयोजित, जिसमें देश भर से आए लगभग 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद
कुमार संभव ने की तथा संचालन राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल किशोर डिग्गीवाले ने किया। बैठक में सर्वप्रथम राजस्थान सरकार को श्री चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड के गठन पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में आए प्रतिनिधियों ने इस बात पर निराशा जताई कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी दलों ने कायस्थ समुदाय को टिकट देने में कोताही बरती है। महापरिषद ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करके भारत भर के कायस्थ नागरिकों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सक्रिय राजनीति में आवें और राजनीतिक दलों को मजबूत करें। इस अवसर पर राजस्थान कायस्थ महासभा की भी प्रदेश कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 9 वरिष्ठ समाज सेवकों को सम्मानित किया गया। इनके नाम केशव सक्सेना धौलपुर, ओपी सक्सेना, ओपी माथुर, जुगल गौरैया, जुगल किशोर डिग्गीवाले, पुरुषोत्तम माथुर, विनोद बहादुर सक्सेना, रामस्वरूप भटनागर एवं कायस्थ सभा कोटा। प्रारंभ में प्रदेश महामंत्री अजय माथुर ने महासभा की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट रखी। एक तो देखो, दो एक तो मेरे जैसे नेता जो केवल बैठ कर भाषण देते हैं, माड़ा बैठते हैं, वो तो होते हैं इनके नेता जो उनको समझते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, भगा दौड़ी करते हैं, सामान जुटाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, ये उनमें से अव्वल है। ऐसे नेता बहुत दुर्लभ होते हैं अब समाज में। बहुत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मतदाताओं को मतदान करने के लिए किया जागरूक। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बा के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाखेड़ा की एनएसएस इकाई द्वारा समीपवर्ती गांव डोंगरपुर में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक किया गया। छात्र छात्राओं ने समझाइश करते हुए उन्हें निर्भय होकर भयमुक्त एवं स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया तथा लोकतंत्र में मतदान करने के महत्व को बताया। एनएसएस इकाई द्वारा रैली, नुक्कड़, नाटक, स्लोगन आदि के माध्यम से जागरूक किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, इसी प्रकार के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कई स्थानों पर चलाए जाएंगे। कार्यक्रम अधिकारी एवं एनएसएस प्रभारी मानसिंह मीणा, प्रोफेसर होसांग पांचाल, प्रोफेसर रामकरण रावत, अमर गोस्वामी, चंद्रशेखर बादाम सिंह सहित अन्य महाविद्यालय छात्र छात्रा मौजूद रहे। बीवीएन ब्यूरो के लिए राजाखेड़ा से कुश राठौर की रिपोर्ट। एनएसएस की प्रथम इकाई का प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। बसेड़ी की प्रमुख खबर। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में सत्र 2023-24 के लिए एनएसएस की प्रथम इकाई के लिए नामांकित 50 नव स्वयंसेवकों का 3 दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र कुमार भानु द्वारा सरस्वती माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य ने कहा कि एक अच्छा स्वयंसेवक बनने के लिए प्रकृति की हर वस्तु के साथ अपनत्व का भाव पैदा करना होगा, तभी निस्वार्थ होकर हम सामुदायिक सेवा करने में सफल होंगे। मुख्य अतिथि सत्येंद्र कौशिक ने एनएसएस स्वयंसेवकों को स्वैच्छिक सेवा भाव पैदा कर समाज में व्याप्त कुरीतियां के प्रति आम नागरिक को जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा एनएसएस के इतिहास, प्रतीक और उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सतीश त्रिवुणायत आचार्य, पवन कुमार प्रजापत सहायक आचार्य, अरिदमन सिंह सहायक आचार्य, अशोक कुमार, जय हरजाई, अरुण मीणा एवं समस्त स्वयंसेवक उपस्थित रहे। बीवीएन ब्यूरो के लिए बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। जो आपको जीवन भर याद रहेगा, अभी आप पहली फील्डिंग या आपका पहला ये यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपको जानकारी दिया जाए, उसके बाद में सभी आप 50